हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मनी इन द बैंक 2020 में आस्का ने 6 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं जो कि किसी भी वुमेन्स रेसलर ने अभी तक नहीं बनाया है, और उनका रिकॉर्ड करना अनब्रेकेबल टाइप से है। तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें, और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि अभी से कुछ दिन पहले ही मनी इन द बैंक 2020 खत्म हुआ है, और मनी इन द बैंक 2020 में आस्का एक बहुत बड़ा अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बनाती है जो कि किसी भी वुमेन्स रेसलर को बनाने के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है, जो कि काफ़ी नामुमकिन भी है। लेकिन मुश्किल तो नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन हो सकता है कोई भी सुपरस्टार इसको तोड़ ले। लेकिन अभी आस्का के पास वो रिकॉर्ड है, और वो 6 रिकॉर्ड जो कि काफ़ी शॉकिंग हो सकता है। और चलिए फ्रेंड्स, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हैशटैग NXT वुमेन्स चैंपियन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि आस्का पास्ट में NXT में काम कर चुके हैं, और वो NXT वुमेन्स चैंपियन भी है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि वो WWE में पहला NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को अपने नाम किए थे। हैशटैग रॉयल रंबल विनर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि WWE इंट्रोड्यूस करती है कि 2018 में हमें वुमेन्स रॉयल रंबल देखने को मिलेगा, और वुमेन्स रॉयल रंबल हमें देखने को मिलता है 2018 में, और वुमेन्स रेसलर के यानी कि वुमेन्स की सबसे पहला वो सुपरस्टार रहती हैं, और वो पहला वुमेन्स रॉयल रंबल को जीतने वाली फर्स्ट सुपरस्टार रहती हैं जो कि अपने नाम करती हैं। और उनका जो स्ट्रिक्ट होता है वो रेसलमेनिया में टूटता है अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर, और इनकी स्ट्रिक्ट तो शार्लेट फ्लेयर टूटती है, लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि आपको मालूम हो कि उनका एक अनब्रेकेबल स्ट्रिक्ट था जो कि आस्का का हमें देखने को मिलता था NXT में। उनको कोई हरा ही नहीं पाता था, और वो लास्ट में अपना NXT वुमेन्स चैंपियनशिप को रिलिंक्विश करके चली आई थी हैशटैग स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि आस्का काफ़ी अच्छा राइवलरी हमें बेकी लिंच के साथ देखने को मिला था स्मैकडाउन में, और वह काफ़ी अच्छा एक स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन मानी जाती है WWE की हिस्ट्री में, क्योंकि बहुत अच्छा तरीके से वो अपने स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को डिफेंड करती थी, और काफ़ी सुपरस्टार को अपने हराए हुए हैं। हैशटैग वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि आस्का और कैरिसन की जोड़ी बहुत अच्छा हमें दिखने को मिला था, और इसको इंट्रोड्यूस और किसी बल्कि पेज की थी, और पेज ने ही स्मैकडाउन में रिवील किया था कि हमें कबुकी वॉरियर्स देखने को मिलेगा, और कबुकी वॉरियर्स वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस भी बनी थी जो कि काफ़ी अच्छा था। हाँ, वो अलग बात है फ्रेंड्स कि जब उन्हें WWE हील सुपरस्टार का रोल कर देती है तो वो बहुत कम ही मतलब वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप को डिफेंड करते हैं किसी सुपरस्टार के अगेंस्ट। लेकिन फ्रेंड्स इनका भी एक रिकॉर्ड है जो कि अभी भी कायम है, जो कि कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया है। हैशटैग वुमेन्स मनी इन द बैंक विनर। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि बहुत कम ही WWE के सुपरस्टार हैं जो कि रॉ वुमेन्स चैंपियन, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन एंड इवन वुमेन्स टैग टीम चैंपियन जो हैं, लेकिन आस्का ऐसे हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले यानी कि जो मनी इन द बैंक हुआ है वो वुमेन्स मनी इन द बैंक को अपने नाम किए हैं, यानी कि वो अपने वुमेन्स मनी इन द बैंक को नाम किए हैं, और बहुत कम ही सुपरस्टार हैं जो कि वुमेन्स मनी इन द बैंक को नाम किए हैं, और वो उसमें कोई सुपरस्टार का नाम आता है जैसे कि कर्मेला और बहुत सारे सुपरस्टार हैं। लेकिन अभी तक ये जो 5 रिकॉर्ड है आस्का का कोई नहीं तोड़ पाया है। और एक और रिकॉर्ड है जो कि काफ़ी शॉकिंग है, और वो है रॉ वुमेन्स चैंपियन। अब देखो फ्रेंड्स, बेकी लिंच ने कितना बड़ा रिवील कर दिया था नेक्स्ट यानी कि इससे पहले वाले मंडे नाइट रॉ में। वो बोलते हैं कि ये जो वुमेन्स मनी इन द बैंक होता है नॉर्मल वुमेन्स मनी इन द बैंक नहीं होता है, ये रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मनी इन द बैंक होता है। आस्का एक साथ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप भी जीती हैं और वुमेन्स मनी इन द बैंक भी जीती हैं, जो कि ये जो काफ़ी 6 जो इनका अचीवमेंट है जो कि काफ़ी बड़ा शॉकिंग है, और ये ऑफिशियली WWE एडवर्टाइज की है कि ये जो 6 को जो इनका अचीवमेंट है काफ़ी शॉकिंग है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई एक तरह से इमेजिन भी नहीं किया होगा या ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि ये आस्का जैसे सुपरस्टार इतना बड़ा मतलब ड्रीम या अचीवमेंट कर सकती है WWE में, जो कि ये जो 6 रिकॉर्ड है उनका कोई नहीं तोड़ सकता है। और ये जो रॉयल रंबल वाला है उसका तोड़ना तो और भी नामुमकिन है फ्रेंड्स, कि अब तो वुमेन्स रॉयल रंबल बार बार नहीं होगा क्योंकि एक ही बार हुआ था। और हाँ फ्रेंड्स, इनका जो ये 6 रिकॉर्ड है अनब्रेकेबल टाइप से है जो कि कभी भी WWE में नहीं टूट सकता है। मे भी कोई भी सुपरस्टार इसको तोड़ सकता है, लेकिन देखना होगा फ्रेंड्स कि ये सुपरस्टार कौन है। तो आप फ्रेंड्स मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि आस्का का रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि प्रोड्यूसिंग सेट न्यूज़ सबसे पहले अपने चैनल पे देते हैं। तो फाइनली पीस आउट फ्रेंड।